हेलो एवरीबॉडी, वंस अगेन वेलकम बैक टू आर द सेकेंड पार्ट ऑफ आर रिविजन सीरीज, दैट इज रिविजन ऑफ केमिस्ट्री ऑफ क्लास 12th फॉर राजस्थान बोर्ड एग्जामिनेशन RBSE ऑफ दिस सेशन, राइट। तो पहला सेशन जो है, पहला जो पार्ट है वो मैं अपलोड कर चुका हूँ। वो वीडियो आपको पसंद आया था और काफ़ी अच्छे मतलब पॉजिटिव रिस्पॉन्स मुझे मिले, तो उसी से मोटिवेट होते हुए मैंने आज सेकेंड जो है पार्ट बनाने का सोचा है। और सेकेंड पार्ट जो है एक घंटे का नहीं होगा, एक घंटे से थोड़ा सा ज़्यादा का होगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल शांति से अगर आपके पास टाइम हो तो ही बैठिएगा, बीच में छोड़ के मत जाइएगा, या फिर किसी ऐसे टाइम पे वीडियो देखिए जब आपके पास एक प्रॉपर एक काफ़ी एक घंटे से ज़्यादा का आपके पास टाइम हो, ठीक है ना। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द सेकेंड पार्ट ऑफ आर सीरीज, दैट इज विद वन क्वेश्चन, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो पार्ट सेकंड का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जो कई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर भी पूछा गया है और मैंने कई मॉडल पेपर के अंदर भी इसको पूछते हुए देखा है, दैट इज कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है ना। इसको शॉर्ट में हम लोग क्या कहते हैं, शॉर्ट में हम इसको कहते हैं SEP, यानी कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का शॉर्ट फॉर्म। अब कई स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। तो एक्चुअल में दिस टॉपिक बिलोंग्स टू द थर्ड चैप्टर ऑफ फर्स्ट बुक, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो अगर आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जब आप रिवाइज करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर जनरली हम किसकी बात करते हैं, जनरली हम बात करते हैं सेल पोटेंशियल की, ठीक है ना। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और सेल पोटेंशियल में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जब हम सेल्फ पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं तो कब करते हैं, एट एनटीपी। एनटीपी का मतलब क्या होता है, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, ठीक है ना। बट जब हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करते हैं तो इट मींस वी आर कैलकुलेटिंग सेल्फ पोटेंशियल एट एसटीपी। कब करते हैं जी, एसटीपी पे करते हैं। और एसटीपी का पूरा नाम क्या है, एसटीपी को अपन कहते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, और इसके अंदर जो प्रेशर होता है कितना होता है, 1 atm होता है, मालूम होना चाहिए आपको। और टेम्परेचर कितना होता है, 0 degree centigrade, ठीक है। और अगर मैं सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करूंगा तो क्या बन जाएगा, 273 केल्विन, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहां तक की चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है, बस आपको थोड़ा सा क्या करना है, इसके अंदर फोकस करना है, ठीक है। तो अगर आपसे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो आप कैसे उसको आंसर करेंगे, ठीक है ना। तो जनरली इसमें जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहला पूछा जाता है कि भाई व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो सबसे पहले अगर आपके पास समय है और आपको आता है तो आप इसको डिफाइन भी कर सकते हैं। तो अपन कैसे डिफाइन करेंगे इसको, एट एसटीपी टोटल सेल पोटेंशियल कैन बी कैलकुलेटेड, बाय द फॉलोइंग मेथड, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया था कि SEP का मतलब क्या होता है, सेल पोटेंशियल ही होता है। लेकिन अगर आप सेल पोटेंशियल को एनटीपी पर कैलकुलेट नहीं करके अगर आप एसटीपी पर करते हैं तो उसे अपन क्या बोल देते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। तो अगर आपको एसटीपी पर टोटल सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो अपन वो मेथड फॉलो करेंगे जो मैं अभी आपको लिखने वाला हूं, ठीक है। और वो मेथड क्या है, दैट इज E naught cathode minus E naught anode, यानी कि किसी भी सेल प्रोसेस के अंदर अगर आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड अगर गिवन है तो आप इजीली क्या निकाल सकते हैं, दोनों को माइनस करके टोटल सेल पोटेंशियल निकाल सकते हैं, क्योंकि और कैसे किस में निकलेगा, वो एसटीपी में निकलेगा, ठीक है। और कैसे पहचाने कि हम लोग एसटीपी पे निकाल रहे हैं कि नहीं निकाल रहे हैं,
तो फॉर्मूले के अंदर आपको क्या लगा देना है, इस तरह से नॉट लगा देना है। ठीक है, कई बार ऐसा फॉर्मूला भी लिखा हुआ नहीं होता, कुछ दूसरा सा फॉर्मूला लिखा होता है, तो कौन सा फॉर्मूला लिखा होता है देखिए आप, एक फॉर्मूला ये भी मिलता है आपको कई बार, और ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट। ठीक है, यानी कि फॉर्मूला सेम ही है। अब आपको मालूम होना चाहिए कि जब भी अपन सेल का डायग्राम बनाते हैं, कौन से सेल का, हम जो जब डायग्राम बनाते हैं कार्बनिक सेल का या कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, ठीक है ना, तो उस केस के अंदर जो कैथोड होता है आपका वो हमेशा कहां पे होता है, राइट हैंड साइड में, और एनोड कहां पे होता है, हमेशा आपका लेफ्ट हैंड साइड में, इसलिए क्या लिखा हुआ है, ई राइट माइनस ई लेफ्ट। तो अगर आप इस तरह से माइनस करके अगर आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल रहे हैं वो भी एसटीपी पर, तो इस पूरे फिनोमिना को अपन क्या बोलेंगे जी, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, इतनी सी बात आपको क्लियर होनी चाहिए, अगर नहीं हो रही है तो आपको इसको वीडियो को थोड़ा सा दोबारा से रिपीट करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये तो होगी डेफिनेशन। दूसरी चीज अपन को यहां से क्या लेना है, एग्जाम्पल भी लेना है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेकर कोई चीज समझाते हैं तो उसका इंपैक्ट हमारे क्वेश्चन पेपर पे और हमारे आंसर शीट पे ज्यादा अच्छे से निखर के आता है। ठीक है, तो आंसर क्या लिखा है एग्जांपल में, क्या लिखा है लेना अपन को, अपन यहां पे ले सकते हैं मैग्नीशियम का। ठीक है ना, मैग्नीशियम जो है वो दो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालकर Mg2+ बना रहा है। ठीक है, मतलब कौन सी प्रोसेस हो गई, एनोड की प्रोसेस हो गई। ठीक है ना, एनोड की प्रोसेस हो गई। और अगर मैग्नीशियम के साथ साथ मैंने क्या ले लिया है, मैंने यहां पे सपोज कीजिए हाइड्रोजन ले लिया है, हाइड्रोजन। ठीक है ना, H2 गैस। ठीक है ना, और ये हाइड्रोजन क्या कर रहा है, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, और गेन करके क्या बना रहा है बताइए। या फिर एक काम करते हैं, हाइड्रोजन हम लोग लेते हैं H+, हम ले लेते हैं 2H+। तो 2H+ ने जैसे ही दो इलेक्ट्रॉन लिए तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया, H2 गैस में कन्वर्ट हो गया। तो यहां मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए कि यहां पर मैग्नीशियम का क्या हो रहा है, मैग्नीशियम का यहां पर हो रहा है ऑक्सीडेशन, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहा है। इट मींस ये क्या हो गया आपका, एनोड। ठीक है, और हाइड्रोजन चूंकि इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, दिस विल बी योर कैथोड। ठीक है, अब आपको प्रूफ करना है कि जो हमने यहां पे दो एग्जांपल लिए हैं उन दोनों की सहायता से हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं कि नहीं। तो अपन क्या लिखेंगे यहां पे, अपन लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। और कौन सा फॉर्मूला बताइए, वही फॉर्मूला जो आपने अभी नोट किया होगा या फिर आपके स्क्रीन पे वो दिख रहा होगा। ठीक है ना, तो देखिए फॉर्मूला पर लिखते हैं, ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ठीक है ना, मैंने कैथोड के लिए सी यूज कर लिया और एनोड के लिए मैंने ए यूज कर लिया। ठीक है ना, इतना थोड़ा सा आपको अलर्टनेस दिखाना है। तो ईसी में अपन क्या लिखेंगे, ऑब्वियसली बात है हाइड्रोजन प्लस से किसमें कन्वर्ट हो रहा है, हाइड्रोजन के अंदर। तो इसको कैसे लिखेंगे, कैसे डिनोट करेंगे अपन, दैट इज ई नॉट H+/H2। ठीक है, जो जिसमें कन्वर्ट हो रहा है उसको वैसे ही लिखा जाता है, माइनस एनोड। एनोड में क्या हो रहा है, Mg किसमें कन्वर्ट हो रहा है, Mg2+ में। तो Mg/Mg2+। ठीक है, इस तरह से क्या किया, इसको रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, अब दुनिया को पता है मतलब जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ता है उसको मालूम होना चाहिए कि हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है ना, ये हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। तो यहां पे वैल्यू अगर रखेंगे अपन क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। माइनस सेम चीज ई नॉट Mg2+। ठीक है, और ये क्या आ गया आपका, ये आपका आ गया ई सेल।
ठीक है, यानी कि जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। तो अगर मैं फाइनली इस कैलकुलेशन को अगर एंड अप करूं तो मुझे क्या मिलेगा, E नॉट सेल इज इक्वल्स टू माइनस E नॉट Mg Mg2 प्लस। तो ये अपन ने निकाल लिया किसका, किसी ऐसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिसके पास एनोड में क्या था Mg और कैथोड में क्या था हाइड्रोजन। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट कर सकते हैं। और आपको इस तरह से आंसर क्या करना है, लिखना है अपनी कॉपी के अंदर। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, नहीं समझ में आ रहा है वीडियो को दोबारा से एक बार देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन जो है हमारे बोर्ड पे आ चुका है। जैसे कि आप देख सकते हैं गैल्वेनिक सेल काफी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट बुक। ठीक है, तो गैल्वेनिक सेल के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, जो कि कई मैंने प्रीवियस ईयर के अंदर भी देखे हैं, मॉडल पेपर्स के अंदर भी देखे हैं। तो देख लो, दो तरह के क्वेश्चन जनरली गैल्वेनिक सेल के अंदर पूछे जाते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है इसका सेल डायग्राम, इसका सेल डायग्राम कि भाई दिखने में कैसा होता है और क्या बोलते हैं इसके अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं, कौन कौन से इलेक्ट्रोड्स होते हैं और उसके अंदर मतलब कुल मिलाकर सेटअप कैसा होता है। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं दैट इज सेल मैकेनिज्म कि चलो आपने गैल्वेनिक सेल का आप स्ट्रक्चर जानते भी हो तो आप इसका सेल मैकेनिज्म लिख के हमें बताइए। ठीक है, तो दोनों का ही हम आंसर यहां पे करेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं सेल डायग्राम। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल गैल्वेनिक सेल का एक नाम जरूर याद रखना, इसको हम लोग एक नाम और जानते हैं इसका दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और आपसे अगर पूछे या आपके मन में खुद ही डाउट अगर आए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, हालांकि आपको मालूम होना चाहिए क्योंकि कुछ दिनों में एग्जाम्स है ना, तो इतना तो आपको मालूम होना चाहिए कि भाई हाउ कैन वी डिफाइन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, जिनको नहीं पता या जिनको थोड़ा ब्रशअप करना है उसको तो मैं आपको बता देता हूं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का मतलब होता है ए डिवाइस विच कैन कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इंटू व्हाट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ऐसा कोई भी डिवाइस जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे उस डिवाइस को हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम उसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोल सकते हैं। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का ही दूसरा नाम है गैल्वेनिक सेल। इसका एक और नाम होता है जिसको हम कहते हैं डैनियल सेल, या फिर इसका एक और नाम होता है वोल्टिक सेल। तो ये सारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के ही नाम है, तो ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। वोल्टिक सेल, गैल्वेनिक सेल, डैनियल सेल, ठीक है ना, या कोई भी सेल आए तो इसका मतलब किसकी हम बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले अपन देखते हैं इसका सेल डायग्राम कि दिखने में कैसा होता है। बहुत ही सिंपल डायग्राम है, ज्यादा सजावट हमको नहीं करनी है, इतना टाइम एग्जाम में होता भी नहीं कि हम सजावट कर सके। ठीक है, रंगोली नहीं बना रहे हम लोग, इसलिए बहुत ही सिंपल वे में डायग्राम बनाएंगे हम। तो आपको यहाँ पे दो बीकर लेने हैं बिल्कुल पास पास रखे हुए, और इन दोनों बीकर के अंदर आपको लेना है सॉल्ट ब्रिज। ठीक है ना, जो भी मैं यहाँ पे वर्ड्स बोल रहा हूँ सॉल्ट ब्रिज बीकर इन सबसे आपको फैमिलियर होना चाहिए अब तो। ठीक है ना, दो इलेक्ट्रोड आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा, एक राइट हैंड साइड में और एक लेफ्ट हैंड साइड में, कुछ इस तरह से। और दोनों को आप जोड़ दीजिए किससे, गैल्वेनोमीटर। ठीक है, गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है, गैल्वेनोमीटर एक्चुअल में ये बताता है कि भाई सर्किट पूरा हो गया है और इलेक्ट्रॉन का फ्लो भी स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के फ्लक्चुएशन को कौन बताता है, गैल्वेनोमीटर बताता है ना। और दोनों के दोनों इलेक्ट्रोड जो है वो डूबे हुए किसके अंदर, अपने अपने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर। तो बहुत ही रफ सा डायग्राम है जो अपन चूंकि रिवीजन कर रहे हैं तो आपको भी जब रिवाइज करना होता है तो इस तरह से हम इसको क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं बहुत ही कम टाइम के अंदर। मैं तो फिर भी थोड़ा सा टाइम लगा रहा हूं लेकिन आपको इससे भी जल्दी करना है। ठीक है ना, इस तरह से।
अब आप चाहे तो इसकी लेबलिंग कर सकते हैं, जैसे इसको अपन कहते हैं कंडक्टिव वायर, दिस इज योर कंडक्टिव वायर। लेबलिंग जरूर करें, जब भी आप डायग्राम बनाए तो उसकी लेबलिंग जरूर करें। ये हो गया आपका, क्या हो गया ये, दिस इज योर कैथोड, और कैथोड की चीज का लिया अपन ने कॉपर का, ध्यान रखिएगा। और इलेक्ट्रोड अपने ही सॉल्यूशन में डूबा होना चाहिए, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर। तो कॉपर किस में डूबा हुआ है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, दिस इज योर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है। और गैल्वेनोमीटर हो गया, दिस इज योर सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज, दिस इज योर एनोड, ठीक है ना। एनोड किसका बना हुआ है, एनोड बना हुआ है जिंक का, और जिंक किस में डूबा हुआ है, अपने ही सॉल्यूशन में, दैट इज जिंक सल्फेट ZnSO4 सॉल्यूशन, ठीक है। तो इस तरह का सेल डायग्राम होता है किसका, गैल्वेनिक सेल का या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, जो आपको बहुत ही जल्दी में रफली आपको बनाना है, और लेकिन सुंदर भी होना चाहिए, ज्यादा काटापिटी नहीं करनी है आपको, है ना, इस तरह से। अब देखते हैं हाथ के हाथ और इसका सेल मैकेनिज्म, कि एक्चुअल में जब हमने सेटअप बना दिया और जब सर्किट पूरा हो गया तो एक्चुअल में उसमें हो क्या रहा है, ठीक है। तो चलो सेल मैकेनिज्म की बात करते हैं। तो जब भी आप सेल मैकेनिज्म लिखेंगे तो सेल मैकेनिज्म के अंदर पहला पॉइंट आप क्या लिखेंगे बताइए, पहला पॉइंट आपको इसमें लिखना है एट एनोड जिंक इज गेटिंग, जिंक इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, जो जिंक है आपका इज गेटिंग ऑक्सीडाइज एंड लिबरेट्स इलेक्ट्रॉन्स। तो जिंक क्या कर रहा है, जिंक अपने आप को ऑक्सीडाइज कर रहा है या फिर जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, और जब भी ऑक्सीडेशन होता है तो आपको मालूम ही होगा इलेक्ट्रॉन्स हमेशा बाहर निकलते हैं, ठीक है। चलिए, तो अगर जिंक ने इलेक्ट्रॉन निकाला तो अपन को रिएक्शन दिख के भी समझाना पड़ेगा, है ना। तो देखो, ये आपने जिंक लिया, जिंक सॉलिड स्टेट के अंदर है क्योंकि इलेक्ट्रोड है यहाँ पे, है ना। और जैसे ही जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ तो जिंक ने क्या किया, दो इलेक्ट्रॉन निकाल के अपने ऊपर चार्ज लगा लिया 2+, यानी कि जिंक क्या बन गया, जिंक बन गया आयन, जिंक आयन बन गया। और आयन हमेशा किस फॉर्म में होते हैं, वो हमेशा एक्वस फॉर्म में होते हैं, ठीक है। और कितने इलेक्ट्रॉन निकाले इसने, जितना इसके ऊपर चार्ज है, तो दो इलेक्ट्रॉन इसे निकाल दिए, ठीक है। तो दिस इज योर एनोडिक रिएक्शन, ओके। चलिए सेकेंड पॉइंट में क्या लिखना है आपको, एट कैथोड Cu2+ इस सॉल्यूशन में कॉपर, आपने अगर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया है तो कॉपर सल्फेट किस में टूट जाएगा बताइए, Cu2+ में, और SO4 2- में, तो हमारे काम का कौन है यहां पे, Cu2+। तो एस कैथोड Cu2+ इज रिड्यूसिंग बाय टेकिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो कॉपर आयन में यहां पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि ये क्या कर रहा है यहां पे, इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। तो क्या होगा प्रोसेस, कैसे लिखेंगे अपन, दैट इज Cu2+, अब आयन आपके सारे एक्वस फॉर्म में होते हैं, है ना, इसलिए एक्वस। और ये दो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, जो किसने निकाले थे, जो जिंक ने निकाल दिए थे, और किस में कन्वर्ट हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है Cu सॉलिड के अंदर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जिंक का यहां पे हो रहा है ऑक्सीडेशन और कॉपर का यहां पे क्या हो रहा है जी, रिडक्शन। और जब आप एक बार एनोड की और कैथोड की दोनों की आप रिएक्शन लिख लेते हैं ना, तब आपको लिखना होता है टोटल सेल रिएक्शन। तो तीसरा पॉइंट हमारा यही है, दैट इज टोटल सेल रिएक्शन। और टोटल सेल रिएक्शन जब भी आप लिखो तो आपको बस इन दोनों को ऐड कर देना है, ध्यान रखिएगा। जब भी अपन टोटल सेल रिएक्शन लिखते हैं तो हमेशा दोनों एनोड और कैथोड सेल को हम लोग क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो मैं भी यहां पे ऐड कर रहा हूं, Zn गिव्स आउट Zn2+ 2 इलेक्ट्रॉन, Cu2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स आउट Cu, ठीक है। इस तरह से लिखना है आपको, अगर आपको एक बार लिखना आ गया तो आप किसी को भी आराम से क्या कर सकते हो, टोटल सेल रिएक्शन का लिख सकते हो,
ज्यादा आपको प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी, ठीक है ना। जब भी हम लोग ऐड करते हैं तो हमेशा आपको मालूम ही है इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट जाते हैं, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट जाते हैं। और जैसे मैंने इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन को काटा तो जो भी चीज एरो के पीछे है उनको एक तरफ लिख दो और जो भी एरो के आगे उनको एक तरफ लिख दो। तो एरो के पीछे कौन कौन है, जिंक है और ये है। तो अपन ने लिखा Zn प्लस Cu2 प्लस एरो Zn2 प्लस और साथ में Cu। तो ये आ गई जी हमारी टोटल सेल रिएक्शन। आप देख सकते हैं, इसको नोट भी कर सकते हैं, यही है आपका गैल्विंग सेल का सेल मैकेनिज्म, ठीक है। तो इस टॉपिक के अंदर दो चीजें काफी इंपॉर्टेंट होती है, तो इसका सेल डायग्राम जो मैंने बना दिया है, रफली बनाना है, बहुत ज्यादा इसमें आपको सजावट नहीं करनी है। दूसरा इसका सेल मैकेनिज्म कि एक्चुअल में इसमें हो क्या रहा है ना। तो ये एनोड साइड हो गया तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, ये कैथोड साइड हो गया तो यहाँ पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। दोनों प्रोसेस ये रही, और जब भी दो प्रोसेस होती है सेल के अंदर तो सेल क्या बन जाता है, न्यूट्रल बन जाता है ना। तो न्यूट्रल कैसे बना, जब उसके अंदर टोटल सेल रिएक्शन हमने लिख के देखी तो लिखा था ये आपको मिल गया, ठीक है ना। तो ये पूरा आपका प्रोसेस जो है क्वेश्चन के फॉर्मेट में कैसे भी आ सकता है, बस आपको मालूम होना चाहिए कि एक्चुअली हम इसमें करते हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिए, कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, तो गैल्वेनिक सेल के बाद में हम आ चुके हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है ये बिलोंग करता है आपके चैप्टर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से, है ना। ये दोनों क्वेश्चन जो है मैंने उठाए हैं केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, एवरीडे लाइफ। तो जो लास्ट चैप्टर है सेकंड बुक का, आई थिंक लास्ट ही है, एक बार चेक कर लीजिएगा। तो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से मैंने ये कुछ क्वेश्चंस देखे हैं जो मॉडल पेपर्स के अंदर, तो मैंने सोचा कि इसको मैं इंक्लूड करता हूं। सबसे पहला जो यहाँ पे लिखा हुआ है जो क्वेश्चन है, दैट इज टू कंपोनेंट्स ऑफ डिटॉल। तो आप सबको मालूम ही होगा कि जब भी हमको चोट लग जाती है तो हम क्या करते हैं, जनरली घरों के अंदर, सबके घरों के अंदर फर्स्ट एड बॉक्स तो होता ही होता है ना। तो जब भी जैसे मान लो आपको थोड़ा सा मान लो कहीं जल गया या फिर थोड़ी सी चोट लग गई या कील लग गई, मान लो तो वहां पे थोड़ा सा घाव हो गया, ब्लड आना शुरू हो जाता है, तो हमको इतना तो मालूम है कि अगर मान लो आपको चोट लगी तो मतलब चोट लगने के बाद में जर्म्स जो होते हैं वो अटैक कर देते हैं उसमें, और जर्म्स ने अगर उस चोट पर अटैक किया तो हमारा जो चोट है, वो जो आपका वुंड है, वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा हार्मफुल हो जाएगा। मतलब हो सकता है कि वो हमारे उस हाथ को या फिर हमारे हाथ की स्किन को क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। तो वैसा ना हो इसलिए डेटॉल क्या करते हैं, हम थोड़ा सा कॉटन लेके वहां पे लगा लेते हैं, और करते क्या डेटॉल वहां पर जितने भी जर्म्स इकट्ठा हुए थे या जर्म्स अटैक किया था उनकी सेल वॉल को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे कि सारे के सारे जर्म्स जो होते हैं वो इनएक्टिव हो जाते हैं। ये डेटॉल का काम है, ठीक है ना। इसलिए चूंकि डेटॉल अटैक किए हुए जर्म्स को किल कर रहा है, मार रहा है, इनएक्टिव कर रहा है, इसलिए डेटॉल को हम लोग क्या बोलते हैं, डेटॉल को कहा जाता है एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक एजेंट। तो सब लोग नाम जरूर ध्यान रखेंगे, डेटॉल इज एन एंटीसेप्टिक एजेंट। कई बार इसको एक और नाम भी जानते हैं, दैट इज एंटी माइक्रोबियल एजेंट। मतलब ऐसा एजेंट जो माइक्रोब्स पे काम करता है, माइक्रोब्स पे अगेंस्ट में काम करता है, ठीक है ना। तो एंटी माइक्रोबियल एजेंट, लेकिन कई बार इसको कहा जाता है जर्मीसाइड। जर्मीसाइड, जर्मीसाइड का मतलब क्या होता है, ऐसे सब्सटेंसेस जो जर्म्स को खत्म कर देते हैं, है ना। तो ये तीनों नाम तो आपको मालूम होने ही चाहिए कि डेटॉल को किस नाम से जाना जाता है। डेटॉल तो मार्केट का नाम है, बट केमिस्ट्रिक लेवल जो डेटॉल को हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे एंटीसेप्टिक एजेंट या फिर एंटी माइक्रोबियल एजेंट या फिर जर्मीसाइड, ठीक है। सवाल क्या पूछा है कि डेटॉल के अंदर कौन से दो कंपोनेंट्स होते हैं, यानी कि हमको पता है कि डेटॉल क्या कर रहा है, जर्म्स को मार रहा है, खत्म कर रहा है, लेकिन डेटॉल बना हुआ किससे है, उसका कंपोजिशन क्या है, है ना। तो डेटॉल जनरली दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। सबसे पहले वाले कंपोनेंट क्या बोलते हैं, क्लोरो ज़ाइलिनॉल, ठीक है ना, नाम जरूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लोरो ज़ाइलिनॉल, ठीक है। दूसरे का नाम क्या है इसके बाद में,
दैट इज टर्पीनियोल। तो क्लोरोक्साइलिनोल एंड टर्पीनियोल ये दोनों नाम आपको मालूम होने चाहिए जिनसे मिलकर आपका डेटॉल बनाया जाता है मेजोरिटी तौर पर, है ना। बाकी और भी होते हैं लेकिन मोस्टली हम लोग इन्हीं दोनों की क्या करते हैं, बात करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको इन दोनों का स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं कि क्लोरोक्साइलिनोल और टर्पीनियोल का केमिकल स्ट्रक्चर क्या होता है। आपको ये नहीं कहेगा कि हम केमिकल स्ट्रक्चर क्यों बना रहे हैं, क्योंकि वी आर स्टडिंग केमिस्ट्री, ठीक है। और अगर हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री के अंदर अगर हम स्ट्रक्चर्स की बात नहीं कर रहे तो फिर केमिस्ट्री पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है, है ना। तो क्लोरोक्साइलिनोल देखो कैसा होगा दिखने में, CH3 ये जुड़ा हुआ है डायरेक्टली किससे, बेंजीन रिंग से। इसके मेटापोजिशन पे जुड़ा हुआ है एक OH, ठीक है। एक और मेटा पे जुड़ा हुआ है CH3, लेकिन ऑर्थो पे क्या जुड़ा हुआ है, Cl। तो दिस इज योर क्लोरोक्साइलिनोल, ध्यान से देख लेना, प्रैक्टिस करनी आपको उसको बनाने की। और अगर मैं टर्पीनियोल की बात करूं तो टर्पीनियोल कैसा होगा दिखने में, CH3 साइक्लिक रिंग, यहां पे डबल बॉन्ड कार्बन CH3 OH, ठीक है। दोनों स्ट्रक्चर को ध्यान से देख लो, कई बार मॉडल पेपर्स के अंदर ये क्वेश्चन पुटअप किया गया है, है ना। तो यानी कि इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए डेटॉल जो है, ठीक है। क्लोरोक्साइलिनोल एंड टर्पीनियोल बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपको मालूम होना चाहिए डेटॉल को क्या बोलते हैं, भी मालूम होना चाहिए। ज्यादा इसमें डिटेल नहीं जाना है आपको, जो इंपॉर्टेंट चीजें मैं करूँ वही करवा रहा हूँ, क्योंकि ज्यादा आपके पास टाइम बचा भी नहीं है कि हम ज्यादा डिटेल में उसको पढ़ सके। इसलिए जैसे मैं आपको बता रहा हूँ आप वैसे ही कीजिए, तो आपके मार्क्स जो है काफी ज्यादा बूस्ट अप हो जाएंगे और आपको केमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स आने के पूरे पूरे चांसेस हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं सैक्रीन की, ठीक है। इसके बाद में सैक्रीन की, तो मैं यहां पे लिख देता हूं सैक्रीन, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो स्टूडेंट्स के माइंड में आता है कि सैक्रीन एक्चुअली है क्या, तो सैक्रीन को समझ लो है क्या चीज। सैक्रीन एक्चुअली में होता है आर्टिफिशियल, कई लोग जानते भी होंगे, आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट, आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट, यानी कि आप इसको चीनी का सब्स्टिट्यूट भी बोल सकते हो। मतलब अगर आपको चीनी यूज नहीं करना तो आप सैक्रीन का भी यूज कर सकते हो। और क्यों कर सकते हैं, क्योंकि सैक्रीन शुगर से काफी ज्यादा मीठा होता है, ठीक है ना। मीठा का मतलब स्वीट होता है, तो अपन यहां कह सकते हैं इट इज 550 टाइम्स स्वीटर देन शुगर। तो चीनी से कितना गुना ज्यादा मीठा है, ये 550 गुना ज्यादा स्वीट है, ठीक है। ये बात जरूर आपको ध्यान रखनी है। अब सीधे आ जाते हैं मुद्दे पे, मुद्दा का मतलब क्या हो गया, इसका केमिकल स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो केमिकल स्ट्रक्चर देख लेते हैं जी इसका। सबसे पहले तो आपको एक बेंजीन रिंग बनानी है कुछ इस तरह से। इस बेंजीन रिंग को जोड़ना है आपको कार्बोनल ग्रुप के साथ में, और साथ ही साथ इसको आपको जोड़ना है SO2 ग्रुप के साथ में, ठीक है। और कार्बन और सल्फर डायरेक्टली जुड़े हुए हैं किससे, नाइट्रोजन के साथ में। तो दिस इज योर सैक्रीन, यहां से देख लीजिए सैक्रीन का केमिकल स्ट्रक्चर ये होता है, ठीक है। आप जब भी केमिकल स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो आपको इसमें मिस्टेक नहीं करनी है, क्योंकि अगर आपने केमिकल स्ट्रक्चर में मिस्टेक कर दी तो एग्जामिनर का जो माइंड है वो थोड़ा सा खराब हो जाता है और हो सकता है कि वो आपको कम मार्क्स दे दे, है ना। इसलिए जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनका आप विशेष ध्यान रखें, और जितने भी जनरल चीजें कम से कम वो तो आपको मालूम होनी चाहिए कि सैक्रीन क्या होता है, आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट है और चीनी का सब्स्टिट्यूट होता है। क्यों, क्योंकि चीनी से ये 550 गुना ज्यादा स्वीट होता है, ठीक है। और जब इतना आप मालूम पड़ जाता है किसी को तो वो ये पूछता है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, अगर केमिस्ट्री का स्टूडेंट हो तो, जैसे कि हम लोग हैं, तो आप इस तरह से क्या करेंगे, उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। तो ये जो इंपॉर्टेंट जो चीज थी फ्रॉम द चैप्टर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, वो भी मैंने आप डिस्कस की है, आगे और भी करेंगे इंपॉर्टेंट आएगा तो, बाकी अभी के लिए ये वाला, ठीक है, इसको ड्रॉ कर लीजिए। फिर अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन आ गया है, और ये ऐसे क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर के अंदर भी देखे हैं, और मैंने बहुत सारे मॉडल पेपर्स के अंदर भी देखे हैं, जो सैंपल पेपर्स होते हैं उसमें भी मैंने देखे हैं। तो मतलब काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्या, पॉलीमर्स। तो ये कौन से चैप्टर से बिलोंग कर रहा है? दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू द चैप्टर पॉलीमर। तो पॉलीमर वाले चैप्टर के अंदर भी आपको जितने भी इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स हैं नेम वाइज आपको याद रखना है विद इट्स मोनोमर्स। पॉलीमर का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ मोनोमर्स, है ना, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले जो हमारे पास यहाँ पे जो नाम है वो है नाइलॉन सिक्स का, नाइलॉन सिक्स, ठीक है। तो नाइलॉन सिक्स आपका पॉलीमर है। शॉर्ट नोट के अंदर आपको ये लिखना है कि एक्चुअली में नाइलॉन सिक्स बनता कैसे। तो अगर मैं नाइलॉन सिक्स के अंदर बात करूं तो यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं, इट इज मेड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ मोनोमर कैप्रोलैक्टम, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है सबके मोनोमर्स। अगर आपको मोनोमर्स याद है, उनका स्ट्रक्चर याद है, तो आप इजीली किसी भी पॉलीमर को ड्रॉ कर सकते हो, यस लिटरली, चाहे वो एडिशन वाला हो या कंडेंसेशन वाला हो। लेकिन अगर आपको मोनोमर ही नहीं पता तो इसका मतलब है कि दिक्कत है और आप पॉलीमर को ड्रॉ नहीं कर पाओगे, और एक जो बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन होता है वो आपको छोड़ के आना पड़ेगा। तो ऐसा हमको रिग्रेट नहीं हो, उसके लिए जरूरी यह है कि जब तक मैं आपको करवा रहा हूं तब तक आप पॉलीमर जितने भी इंपॉर्टेंट है वो सारे के सारे का आप नेम वाइज कर लें विद मोनोमर्स, ठीक है। चलिए, तो इट इज मेड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ मोनोमर कैप्रोलैक्टम, ठीक है। और सेकंड में आप दे दीजिए इसका पॉलीमराइजेशन स्ट्रक्चर। देखिए, स्ट्रक्चर अगर आपको लिखना है तो आपको पॉलीमराइजेशन क्या होगा करना पड़ेगा, ठीक है। तो कैप्रोलैक्टम दिखने में कैसा होता है पहले अपन वो देख लेते हैं। अगर आपको कैप्रोलैक्टम पता लग गया तो आप क्या कर सकते हो, इजीली उसको समझ सकते हो, ड्रॉ भी कर सकते हो। तो कैप्रोलैक्टम दिखने में कुछ तरह का होता है, NH इस तरह से, ठीक है। छह कार्बन होते हैं, गिन लीजिए 1, 2, 3, 4, 5 और 6। और कार्बन छह है, सुनिएगा ध्यान से सब लोग, कार्बन छह है कैप्रोलैक्टम में, इसलिए जब इसका पॉलीमराइजेशन होगा तो भी छह कार्बन के ही यूनिट्स बनेंगे, इसलिए इसका नाम क्या है, नाइलॉन सिक्स। तो सिक्स का मतलब क्या है, छह कार्बन। तो जब पॉलीमराइजेशन होगा तो बॉन्ड ब्रेकिंग भी आप ध्यान रखेंगे, बॉन्ड कहां से टूटेगा, बॉन्ड टूटेगा जी यहां से ये बॉन्ड टूट जाएगा, N और C के बीच का बॉन्ड टूट जाएगा। और जैसे ही बॉन्ड टूटेगा आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा ये NH CH2 पांच हो गए, और C डबल बॉन्ड O इस तरह से, एंड दिस इज योर नाइलॉन सिक्स, ठीक है। तो इसको आप चाहे तो ड्रॉ कर सकते हैं और चाहे नहीं, ड्रॉ करना ही है आपको ताकि मालूम पड़े कि कैप्रोलैक्टम से नाइलॉन सिक्स कैसे बना, है ना। दिस इज योर कैप्रोलैक्टम, ओके। तो इसको आप ड्रॉ कर लीजिए, बना लीजिए, फिर अपन मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ, दैट इज आर टेफ्लॉन। तो देख लेते हैं नाइलॉन सिक्स के बाद में टेफ्लॉन क्या चीज है। अब टेफ्लॉन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली टेफ्लॉन का यूज करते हैं हम लोग, नाइलॉन सिक्स का भी यूज करते हैं अपन जनरली रोप्स में, जो तो पैराशूट वगैरह होता है ना, पैराशूट हो गया, या फिर जो माउंटेनिंग सामान होता है, मतलब पहाड़ पर चढ़ने का जो सामान होता है उसमें जो रस्सियां आती है वो भी नाइलॉन सिक्स की बनती है ना। उस तरह से टेफ्लॉन का भी यूज करते हैं, यहां पर लिख सकते हो यूज्ड एज अ नॉनस्टिक कोटिंग,
ठीक है, नॉनस्टिक कोटिंग के तौर पर, नॉनस्टिक कोटिंग के तौर पर स्ट्रेन देख लेना, इसका हम यूज किया जाता है ठीक है। और ये बनता कैसे है, मेड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ मोनोमर टेट्राफ्लोरो इथीन, टेट्राफ्लोरो इथीन। तो इसका मतलब टेफ्लोन का टेफ्लोन के मोनोमर का क्या नाम है, टेट्राफ्लोरो इथीन। अब ये बनता कैसे वो देख लो, तो टेट्राफ्लोरो इथीन का पहले स्ट्रक्चर आप बना लीजिए, जो भी कुछ इस तरह का होता है, C डबल बॉन्ड C, F, F, F और F, दिस इज योर टेट्राफ्लोरो इथीन, टेट्राफ्लोरो इथीन। इथीन क्यों, क्योंकि दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। जब आप इसका पॉलीमराइजेशन करोगे तो एक बॉन्ड टूट जाएगा, डबल बॉन्ड का एक बॉन्ड टूट जाएगा और दोनों वैलेंसीज वेकेंट हो जाएगी, यानी कि इस तरह का कंपाउंड आपको दिया मैंने, वैसे है ना दिखने में, यहां से देख लो, तो एक बॉन्ड अगर टूटा तो यहां की वैलेंसी वेकेंट, एक वैलेंसी इसकी वेकेंट और एक वैलेंसी इसकी वेकेंट, इस तरह से। तो दिस इज योर टेफ्लॉन। इस एन का मतलब क्या है, ऐसे ही बहुत सारे स्ट्रक्चर्स आपस में कंटिन्यूअसली जुड़े हुए हैं, और कितने जुड़े हुए हैं हमें पता नहीं, इसलिए हमने क्या लगा दिया, एन लगा दिया ठीक है। तो इसको भी आप नोट कर लें, बहुत ही सिंपल सिंपल से स्ट्रक्चर्स हैं, तो आपको ज्यादा दिक्कत इसमें नहीं आएगी। तो नायलॉन सिक्स और टेफ्लॉन के बाद में अगला जो हमारा कंपाउंड है तीसरा, दैट इज नियोप्रीन ठीक है। अब नियोप्रीन जो पॉलीमर है उसका यूज भी कई ऐसी चीजों में किया जाता है जिनकी स्ट्रेंथ ज्यादा हो, जैसे कि मैट बनाने के लिए, या फिर क्या बोलते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में किया जाता है कपड़े बनाने के लिए, है ना। तो बहुत सारी चीजों में नियोप्रीन का भी यूज किया जाता है। तो क्या लिखेंगे इसके अंदर, इट इज मेड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ मोनोमर क्लोरोप्रीन ठीक है ना। यानी कि क्लोरोप्रीन का स्ट्रक्चर इसको याद है तो आराम से नियोप्रीन को बना ले जाएगा ठीक है। अब ये क्लोरोप्रीन दिखने में कैसा होता है वो देख लेते हैं हम लोग, CH2 डबल बॉन्ड सी, CL सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज योर क्लोरोप्रीन। ये क्या है आपका क्लोरोप्रीन, और इस क्लोरोप्रीन का जब अपन क्या करते हैं पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन, तो जब आप इसका पॉलीमराइजेशन करोगे तो एक एक बॉन्ड दोनों के फ्री हो जाएंगे ठीक है ना, एक एक वैलेंसी दोनों की फ्री हो जाएगी, तो एक वैलेंसी आ जाएगी दोनों के बीच में और यहां की वैलेंसी फ्री हो जाएगी ठीक है ना। अब कैसे बनता है देख लो, मैं दोबारा से ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं, फिर बॉन्ड तोड़ के बताऊंगा मैं आपको। CH2 डबल बॉन्ड सी सी एल सी एच डबल बॉन्ड CH2 ठीक है। तो क्या हुआ, एक वैलेंसी यहां पर फ्री हुई टूट के, एक वैलेंसी यहां पर फ्री हुई टूट के ठीक है, और बीच में आ गया डबल बॉन्ड ठीक है, एंड दिस इज योर नियोप्रीन ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, पॉलीमर्स को लिख सकते हैं अलोंग विद देयर मोनोमर्स, अगर हमको उनके मोनोमर्स के स्ट्रक्चर्स याद है तो ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो मैंने बहुत सारे पेपर्स में देखा था, तो आप जो अच्छे से नोट कीजिएगा, अच्छे से इसको पढ़िएगा ठीक है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, दैट इज हेल्बोलहार्ट ज़ेलिंस्की रिएक्शन।
ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है फ्रॉम द चैप्टर कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, जब अपन कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल रिएक्शंस पढ़ते हैं तो उसके अंदर इसका जिक्र जरूर किया जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक नेम रिएक्शन है और इसका एक और नाम है जिसको शॉर्ट में लिया जाता है, दैट इज HVZ रिएक्शन, HVZ रिएक्शन। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा नेम रिएक्शन। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जितने भी आपके सिलेबस में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्पेशली जितने भी आपके नेम रिएक्शन है उनकी प्रैक्टिस आप जरूर करें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो 90% मैंने जो क्वेश्चन देखे हैं प्रीवियस ईयर के अंदर भी, सैम्पल पेपर के अंदर भी, या फिर मैंने मॉडल पेपर में देखा है, तो 90% क्वेश्चन जो थे आपके 90-95% वो नेम रिएक्शन पे बेस्ड ही थे। ठीक है, तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप जरूर नेम रिएक्शन को प्रैक्टिस करते रहें, उसको छोड़े नहीं, क्योंकि नेम रिएक्शन में आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपको ज्यादा याद होगा, है ना। छोड़ दोगे तो आपके भूलने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे, इसलिए इसका विशेष ध्यान रखें। चलिए तो अपन देख लेते हैं कि हेलोलर जेल्स की रिएक्शन है क्या। तो किसी भी रिएक्शन को लिखने के लिए हमको तीन चीजों की आवश्यकता होती है ना। सबसे पहला उसका रिएक्टेंट, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो है कार्बोक्सिलिक एसिड का केमिकल रिएक्शन है, तो ऑब्वियसली बात है यहां पर रिएक्टेंट में अपन क्या यूज करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। और कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करेंगे, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि उनको रिएक्शन रटने से मतलब होता है। रिएक्शन रटना है लेकिन स्मार्ट तरीके से रटना है। रटना क्या, उसके अंदर रिएजेंट एक तो रटना पड़ेगा आपको, उसमें कोई ऑप्शन है नहीं, आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, और आपको रिएक्टेंट भी जो है याद रख सकते हैं। और जिस बच्चे ने रिएक्टेंट को रटा मतलब उसने स्मार्ट तरीका यूज नहीं किया। स्मार्ट तरीका क्या है कि आपको ये याद रखना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा लेना है, हैविंग एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन। तो आपको ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड लेना है जिसके पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन तो हो। ठीक है, रिएक्टेंट की बात हो गई। अब आगे हम बात करते हैं किसकी, रिएजेंट की। किसी भी रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट जितना जरूरी है उतना ही रिएजेंट भी जरूरी है, क्योंकि रिएक्ट कौन किससे करेगा उसे, तो रिएजेंट। ठीक है ना, अब इसमें रिएजेंट आपके दो होते हैं, मतलब अगर हम सीक्वेंस देखें तो दो रिएजेंट का हमको यूज करना है सीक्वेंस वाइज। नंबर वन पे आपको यूज करना है X2 और साथ में रेड फॉस्फोरस। ठीक है, यानी कि आपको प्योर हैलोजन यूज करना है अलोंग विद कैटलिस्ट रेड फॉस्फोरस। और सेकेंड केस में जब आपने पहला केस यूज कर लिया तो सेकेंड स्टेज के अंदर आपको यूज करना है वाटर, यानी कि H2। ठीक है, तो ये दो चीजें आपको कम से कम मालूम होनी चाहिए। और तीसरा है प्रोडक्ट होता है वैसे तो, लेकिन मैं प्रोडक्ट नहीं लिख रहा हूं, क्या बनेगा वो अपन देखते हैं। तो सेकेंड केस में अपन देखते हैं इसका एग्जाम्पल, मतलब कैसे हम इसको लिख सकते हैं, हाउ कैन वी राइट डाउन द HVZ रिएक्शन। तो रिएक्शन लिखने से पहले हमको चूज करना पड़ेगा ऐसा रिएक्टेंट जो कार्बोक्सिलिक एसिड तो हो लेकिन जिसके पास एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन भी होना चाहिए, है ना। तो अगर आपके माइंड में नहीं आ रहा है तो ये गलत बात है, आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में टाइम बचा नहीं है और अभी भी आपकी ऐसी कंडीशन है कि आपको याद नहीं आ रहा है कि ऐसा कौन सा रिएक्टेंट है, तो दिस इज वेरी बैड फॉर द प्रिपरेशन, राइट। चलिए तो कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं हम लोग यहाँ पे, तो मैं एक कार्बोक्सिलिक एसिड यूज कर रहा हूं CH3CH2COOH। ठीक है, आप चाहें तो CH3 की जगह पे आप R भी यूज कर सकते हैं, जैसे जनरल से अगर आपको रिएक्शन लिखना है तो। और फर्स्ट केस के अंदर मैंने क्या ले लिया, X2 और साथ में रेड फॉस्फोरस, जैसे कि हमारा डिसाइड हुआ था। और सेकंड केस में क्या लेना है आपको, H2O। एक बात आपको विशेष ध्यान देनी है कि इसके अंदर आपको मैकेनिज्म नहीं पूछेंगे, है ना। तो जनरली जो आपको रिएक्शन याद करनी है वो ऐसे ही याद करनी जो अपन यहाँ पे लिख रहे हैं, ओके। अब इस कार्बोक्सिलिक एसिड को आप ध्यान से देखें तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, मुझे कैसे मालूम, क्योंकि हमने बहुत ही सिंपल सा एक प्रिंसिपल सीखा केमिस्ट्री के अंदर और स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, कि अगर आपके कंपाउंड में कोई फंक्शनल ग्रुप है, जैसे कि इस कंपाउंड के अंदर आपको फंक्शनल ग्रुप कौन सा मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ पहला कार्बन क्या कहलाता है,
अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से जुड़े हुए सारे हाइड्रोजन क्या कहलाते हैं? अल्फा हाइड्रोजन। तो बहुत ही सिंपल तरीका है अल्फा हाइड्रोजन को आइडेंटिफाई करने का, जो कि मैंने यहाँ पे कर लिया है। तो मुझे यहाँ पे दो अल्फा हाइड्रोजन दिख रहे हैं, मुझे चाहिए कितने? केवल एक। तो देखो, तो मैं इसको दोबारा यहाँ पे लिख लेता हूं दोबारा से, आर सी एच टू को मैं ऐसे ओपन करके लिख रहा हूं, है ना, कंफ्यूज मत होना, और सी डब्ल्यू एच। तो होता क्या है कि जब आप अल्फा हाइड्रोजन वाला कोई कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हो और उसकी रिएक्शन अगर आप इनसे करवाते हो, तो एक हाइड्रोजन, कोई भी एक हाइड्रोजन एक हैलोजन से रिप्लेस हो जाता है। मतलब हाइड्रोजन को हटाया और एक हैलोजन यहां पर आ गया, यानी कि कुछ इस तरह से। बात समझ में आ रही है आपको? तो ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। इसको अपन कहते हैं अल्फा हैलोजिनेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका नाम क्या हो जाएगा? अल्फा हैलोजिनेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्फा हैलोजिनेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। क्यों? आप हैलोजिनेटेड भी बोल सकते हो या फिर आप सब्स्टिट्यूटेड भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जो मर्जी आप वो कह सकते हो, ठीक है। तो इस तरह का पूरा जो है सिनेरियो रहता है इसके अंदर HBZ रिएक्शन के अंदर। एक तो मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं जिसके अंदर मैं आर की जगह कुछ और ले लूंगा। सपोज मैंने लिया मैंने ये कंपाउंड ले लिया मान लो, ठीक है, ये कंपाउंड मैंने यहां पे यूज कर लिया, कार्बोक्सिलिक एसिड है, दिख रहा होगा आपको, है ना, सी डब्ल्यू एच है। तो और मैंने इसके अंदर यूज किया पहले केस के अंदर Cl2 और रेड फॉस्फोरस तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना। और सेकेंड केस में अपन यूज करेंगे H2O यानी कि वाटर। तो होगा क्या? अब आपको मालूम है कि भाई कार्बोक्सिलिक एसिड से जुड़ा हुआ पहला कार्बन क्या कहलाता है? अल्फा कार्बन, जो कि यहां पर है, और अल्फा कार्बन है तो हाइड्रोजन भी होगा। कितने होते हैं? दो होते हैं, तो यहाँ पे दो है, है ना, कार्बन की वैसे चार ही होती है ना, तो दो तो यहाँ पे हो रही है, तो बाकी दो किससे होंगे? हाइड्रोजन से ही होंगे। तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा कुछ इस तरह का बनेगा, एक हाइड्रोजन से हटा और यहाँ पे क्या आ गया? Cl आ गया। तो दिस इज द HBZ रिएक्शन, जिसके अंदर अल्फा पोजीशन से एक हाइड्रोजन बाहर निकलकर वहां पे कौन आ जाता है? वहां पे कोई भी हैलोजन आ सकता है जो आपने यूज किया है, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, इसको सीख लीजिए, इससे ज्यादा आपको एल्वोलर्ड यानी कि HBZ रिएक्शन में मालूम होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए, कुछ नहीं समझ में आया तो पूछ लीजिएगा या फिर वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा बैक करके। बढ़ते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि आप देख सकते हैं बोर्ड पे, क्वेश्चन है व्हाट इज इटार्ड रिएक्शन, ठीक है ना। तो जैसा कि मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि जितने भी आपके नेम रिएक्शंस हैं वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको उनको स्किप नहीं करना चाहिए, बार बार प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है ना। तो उन्हीं में से एक और जो नेम रिएक्शन है जो काफी बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछा गया है और सैंपल पेपर के अंदर भी था, दैट इज इटार्ड रिएक्शन, ठीक है। तो इटार्ड रिएक्शन क्या है, क्यों है, क्यों इंपॉर्टेंट है, वो देख लीजिए। तो जब भी हम लोग इटार्ड रिएक्शन की बात करते हैं तो इटार्ड रिएक्शन का नाम इसलिए आता है क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। और कौन सा एल्डिहाइड्स? एरोमेटिक एल्डिहाइड्स, ठीक है ना। तो अपन क्या लिख सकते हैं, दिस रिएक्शन इंक्लूड्स the formation of aromatic aldehydes, और किससे? from toluene। तो आपको ये बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए कि इसमें होता क्या है। तो aromatic aldehyde का formation करते हैं हम लोग इसके अंदर, मतलब इस मेथड से, और इसके लिए रिएक्टेंट हम लोग क्या यूज करते हैं, दैट इज टोलुइन। तो अगर इतना अगर आपको मालूम पड़ गया तो आप इजीली इस रिएक्शन के अंदर प्रोसीड कर सकते हो और बिना अटके इसका आप आंसर बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर कर सकते हो, ठीक है ना। अब इसके अंदर रिएजेंट कौन कौन से यूज किए जाते हैं, तो रिएजेंट देख लीजिए आप लोग, इसके अंदर दो रिएजेंट हम लोग इसमें यूज करेंगे,
रिएजेंट तो एक ही है, मतलब दोनों का मिक्सचर है वो, है ना, केस वाइज केस अपन यूज करते हैं। तो रिएजेंट जब भी हम यूज करते हैं तो पहले केस के अंदर आपको यूज करना है क्रोमाइल क्लोराइड, यानी कि CrO2Cl2, वो भी किसके साथ में, CH2 के साथ में। CH2 का मतलब क्या होता है, कार्बन डाइसल्फाइड। तो क्रोमाइल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज CrO2Cl2। तो CrO2Cl2 यूज करना है किसके प्रेजेंस में, कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस में। बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। सेकंड केस जब आपने ये यूज कर लिया तो सेकंड केस में हमको क्या यूज करना है, हमें यूज करना है वाटर, हमें यूज करना है एसिडिक वाटर, यानी कि H2O अलोंग विद H+। तो जब आप इन दोनों का यूज कर लोगे तो आपका टोलुइन अपने आप को किसमें कन्वर्ट कर लेगा, एरोमेटिक एल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट कर लेगा, ठीक है। अब देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर कैसे करेंगे, रिएक्शन को कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो तीसरे पॉइंट में अपन लिखते हैं एग्जाम्पल। तो देखिए एग्जाम्पल में क्या लिखना है अपन को, एग्जाम्पल में अपन लिखते हैं टोलुइन, जो कि कुछ इस तरह का होता है दिखने में। इसमें भी आपको मैकेनिज्म नहीं लिखनी है, जिसको मैकेनिज्म याद है बहुत अच्छी बात है। जैसे कई लोग जो कई स्टूडेंट होते हैं वो काफी अच्छे मतलब क्यूरियस नेचर के होते हैं और वो जानना चाहते हैं कि एक्चुअल रिएक्शन कैसे हुई, ठीक है। तो उनकी बात अलग है, क्यों, क्योंकि वो पूरे साल भर तैयारी करते हैं और साल भर वो प्रिपरेशन करते हैं, तो उनको वो क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। लेकिन वो स्टूडेंट्स जो केवल पास होना चाहते हैं, वो भी अच्छे नंबर से विदाउट टेकिंग एनी डीप नॉलेज, तो उनके लिए ये चीज़ है कि आप केवल रिएक्शन को ध्यान रखें तो उसमें आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट केस के अंदर मैंने क्या यूज कर लिया यहाँ पे, CrO2Cl2CH2, और सेकेंड केस में अपन ने क्या यूज किया, एसिडिक वाटर H2H+। तो एक्चुअल में आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप यहाँ पे कर रहे हो ऑक्सीडेशन, है ना। तो इटार्ड रिएक्शन के अंदर जो आपका टोलुइन होता है वो इसकी प्रेजेंस में, इन दोनों के प्रेजेंस में क्या करता है, इन दोनों मेथड के बाद में क्या करता है, अपने आप को इसमें कन्वर्ट कर लेता है, ठीक है। और इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन कहते हैं बेंजल्डिहाइड, दिस इज योर बेंजल्डिहाइड, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट इटार्ड रिएक्शन, इससे ज्यादा आपको इटार्ड रिएक्शन में कुछ जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कई बार स्टूडेंट्स बोलते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, तो कोई जरूरत नहीं है स्ट्रक्चर बनाने की, आपको आपको स्ट्रक्चर जानने की जरूरत नहीं, क्योंकि पूछेंगे भी नहीं आपसे। आपसे अगर इतना पूछ सकते हैं कि इसका यूज स्पीचेज में करते हैं, तो इसका यूज करते हैं टोलुइन को एरोमेटिक एल्डिहाइड यानी कि बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के लिए, और इस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं बताइए, इटार्ड रिएक्शन, ठीक है। इतना ही आपके लिए जानना जरूरी है फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन, इससे ज्यादा आप मत जानिएगा, ठीक है, क्योंकि ज्यादा आप जानेंगे तो आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, फिर अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके एवरीबॉडी, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Mn2+, ठीक है ना। सबसे पहली चीज, ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर से बिलोंग करता है, कई लोगों को नहीं मालूम होगा तो मैं बता देता हूं। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन बिलोंग्स टू द चैप्टर ऑफ डी ब्लॉक, जिसको अपन ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक मोमेंट का क्वेश्चन काफी ज्यादा कॉमन रहता है। तो सबसे पहली बात, तो अगर आपको मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करना है तो ऑब्वियसली बात है इसका कुछ ना कुछ फॉर्मूला भी होता होगा। तो इसका फॉर्मूला जो है आपको मालूम होना चाहिए। अब कैसे कैलकुलेट करता है वही मैं आपको बताऊंगा। जब अपन इसके फॉर्मूले की बात करते हैं तो फॉर्मूला कुछ इसका इस तरह से निकल के आता है, दैट इज मैग्नेटिक मोमेंट, इसको अपन सिंबल क्या होता है, म्यू, ध्यान रखिएगा म्यू। तो मैग्नेटिक मोमेंट म्यू इज इक्वल्स टू एन इंटू एन प्लस टू का होल अंडर रूट बीएम। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट जो आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। इसको आप चाहें तो इस तरह से आप सर्कल भी कर सकते हैं हाईलाइट करने के लिए, एग्जाम के अंदर भी कर सकते हो, बॉक्स बनाओ तो ज्यादा बेटर है ना। ये करने के बजाय अगर आप बॉक्स बनाते हो तो ज्यादा अच्छा लगता है। मैं भी बॉक्स बना देता हूँ, अजीब सा लग रहा है सर्कल, तो अपन क्या करते हैं इसके
बॉक्स बना देते हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। और इसमें एन क्या चीज है, एन इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। और ये बीएम क्या चीज है, बीएम है इसकी यूनिट। बीएम का मतलब क्या होता है, दैट इज बोर मैग्नेटॉन, बोर मैग्नेटॉन, ठीक है। जिस तरह से वेट की यूनिट क्या होती है, केजी होती है कि नहीं होती है, अपन बोलते हैं इतने केजी का ये सामान है, ये ऑब्जेक्ट है, इस केजी का है, तो केजी इज द यूनिट ऑफ वेट। उसी तरह से बोर मैग्नेटॉन बीएम इज द यूनिट ऑफ म्यू, दैट इज मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। तो यहां पर जो क्वेश्चन है कि Mn2+ का मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, तो हमको ऑब्वियसली बात है Mn2+ के लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होते हैं, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आपको पता है कि एक्चुअल फॉर्मूला में रखना क्या है, तो ऐसे क्वेश्चन आपके मतलब सेकेंड्स में भी हो सकता है, मतलब अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो। तो Mn2+ की पहले अपन बात कर लेते हैं। तो Mn2+ होता है मैंगनीज, और मैंगनीज का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 25। एटॉमिक नंबर याद करना बहुत जरूरी है, पहले बता देता हूं मैं आपको, बहुत लोग स्किप कर देते हैं, चलो देख लेंगे एग्जाम में आ जाएगा, एग्जाम में कभी नहीं भी आता है, फिर वहां पे जाके आप लोग फंस जाते हो। तो अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखूं तो कुछ तरह से लिखूंगा, Ar 3d5 4s2, ठीक है ना। 25 ये गिन लेना, 18 इसके होते हैं, 2 इसके 20, और 5 25, ठीक है, 25 हो गए। लेकिन यहाँ पे 2 प्लस है, और 2 प्लस का मतलब क्या होता है कि ओरिजिनल Mn में से दो इलेक्ट्रॉन क्या है, गायब है। तो अगर मैं इसको Mn2+ में कन्वर्ट करूं तो क्या बन जाएगा, ये Ar 3d5 4s0। तो एक्चुअल में Mn2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है ये, ठीक है। अब मैं d सेक्शन को बाहर निकाल लेता हूं, d ऑर्बिटल्स को, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन में किस में देखूंगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन होगा उसमें देखूंगा ना, एस में क्या करूंगा, देख के एस में इलेक्ट्रॉन ही नहीं, जीरो आ गया तक इसके ऊपर, इसमें इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। तो डी को देख लेना, थ्री डी कैसा होगा लिखने में, थ्री डी ऑर्बिटल्स को अपन कुछ तरह से ड्रॉ करते हैं, दिस इज थ्री डी ऑर्बिटल, और डी के अंदर मैक्सिमम कितने सब ऑर्बिटल्स होते हैं, दैट इज 5। तो देखो 1 2 3 4 5, और 5 इलेक्ट्रॉन है। एंड अकॉर्डिंग टू हंस रूल, जब तक सभी ऑर्बिटल्स में एक इलेक्ट्रॉन नहीं चल जाता तब तक अपन पेयरिंग नहीं कर सकते, 5 खत्म। अगर 6 होते तो मैं पेयरिंग स्टार्ट कर देता, है ना। अब चूंकि 6 नहीं है, 5 ही है, तो अपन इस तरह से इसको ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो अगर मुझे म्यू निकालना है तो म्यू इज़ इक्वल्स टू क्या होता है, मैं जब दूसरा पेन यूज कर लेता हूं, इसको बिठा देते हैं। तो म्यू इज़ इक्वल्स टू एन एन प्लस टू का होल अंडर रूट बी एम, ठीक है। तो एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5, है ना। तो 5 5 प्लस 2 का होल अंडर रूट बी एम, ठीक है, दिख रहा होगा आप लोगों को। अब सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो 5 प्लस 2 क्या होता है, 7, और 7 5 कितना होता है, 35। तो 35 बी एम, तो आंसर कितना आ गया, 35 बी एम। अब जिन लोगों को रूट निकालना नहीं आता है वो यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन जिनको रूट निकालना आता है वो जरूर इसको सॉल्व कीजिएगा, पूरा कंप्लीट कीजिएगा। तो चूंकि मुझे याद है अंडर रूट 35 की जो वैल्यू होती है वो 5.9 के आसपास होती है, तो मैं लिख देता हूँ उसको 5.9 बी एम। एक बार आप लोग चेक भी कर लेना, अगर गलत हो तो मुझे फिर कमेंट करके बताना कि एक्चुअल में आंसर कितना होना चाहिए, ठीक है। और जिनको मेहनत नहीं करनी, तो मैंने कर दिया है, 5.9 इसका होता है, मुझे याद है इसलिए, फिर भी आप मुझे कंफर्म जरूर करना कि भाई ये होता है कि नहीं होता है। तो इस तरह से हम मैग्नेटिक मोमेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है इसका, फॉर्मूला। अगर आपको फॉर्मूला याद है और आपको ये आता है कि हाउ कैन वी कैलकुलेट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो आप इजीली इस तरह के मतलब इसको हम कहते हैं चिंदी क्वेश्चंस, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप इजीली क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। देख लीजिए, समझ लीजिए, एक बार दोबारा से रिपीट कर लीजिए, है ना, और इसको आप नोट कर लीजिए। फिर बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये एक न्यूमेरिकल है जो कि पता नहीं क्यों बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में डर बैठा हुआ है कि भाई न्यूमेरिकल तो सॉल्व नहीं करना। जैसे क्वेश्चन पेपर में वो न्यूमेरिकल देखते हैं उनके अंदर पता नहीं कौन सा डर बैठ जाता है कि भाई न्यूमेरिकल नहीं होगा, नहीं होगा, न्यूमेरिकल है, ठीक है ना। तो ऐसा आपको नहीं करना है। न्यूमेरिकल बहुत ही सिंपल से होते हैं, अगर आप उनको समझ गए तो न्यूमेरिकल करना बहुत ईजी होता है, ठीक है ना। और दूसरी बात यह है कि आप न्यूमेरिकल से भाग लो तो कब तक भागोगे आप। अगर आपने साइंस ली है तो फिजिक्स के अंदर भी न्यूमेरिकल आया होगा, ठीक है ना, केमिस्ट्री के अंदर भी आएगा, और अगर किसी के पास मैथ्स है तो फिर तो न्यूमेरिकल है ना। बायो के अंदर भी थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल होता ही है, लेकिन बायो वाले भी केमिस्ट्री तो कम से कम पढ़ ही रहे ना, तो न्यूमेरिकल तो करना ही पड़ेगा। तो भागना किसी चीज़ का सोल्यूशन है ही नहीं। और एक बात ये बताइए, अगर आपने ट्वेल्थ कर भी ली तो ट्वेल्थ के बाद क्या आप आर्ट्स लोगे? लेना तो आपको साइंस के अंदर ही है ना। तो अभी से अगर आपको ऐसे न्यूमेरिकल्स टफ लग रहे हैं तो आगे और भी तो न्यूमेरिकल्स आएंगे, तो और भी टफ होंगे। तो अभी आप भाग रहे हो तो आगे फिर आप भागते रहोगे सारी जिंदगी भर, फिर साइंस पढ़ने का मतलब क्या हुआ, ठीक है। तो सॉल्यूशन भागना है ही नहीं किस चीज का। अगर आप किसी चीज से भाग रहे हो और उसको आप फेस नहीं कर पा रहे हो तो फिर आपको कोई मतलब ही नहीं सब्जेक्ट को लेने का। तो आप भागिए मत, उसको आप फेस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, आप न्यूमेरिकल को समझिए। कल को अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम फाइट करेंगे तो उसमें तो पता नहीं कितने ज्यादा न्यूमेरिकल्स आते हैं, कैसे सॉल्व करवाओगे आप। फिजिकल केमिस्ट्री पूरी न्यूमेरिकल से भरी हुई है ना। तो भागिए मत, इसको आप फेस कीजिए, क्योंकि जब आप फर्दर स्टडीज करेंगे तो चीजें आपके लिए और भी टफ होगी, है ना। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए एक बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल जो मैंने सैंपल पेपर्स में देखा था वही मैं यहाँ पे लेके आया हूँ, और आप देखेंगे कि इसको सॉल्व करना कितना ईजी है, बहुत ईजी सॉल्व करना। देखते जाइए इसको आप। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ 4.6 इथेनॉल ग्राम इथेनॉल इन 500 ग्राम ऑफ वाटर। तो क्वेश्चन ने क्या बोला कि आपने 4.6 ग्राम इथेनॉल को 500 ग्राम पानी के अंदर डिसॉल्व किया है तो जो सॉल्यूशन बना उसकी मोलैलिटी क्या होगी, उसकी मोलैलिटी आप कैलकुलेट कीजिए। मतलब दिस क्वेश्चन बिलोंग्स फ्रॉम द चैप्टर सॉल्यूशन, याद आ रहा होगा आपको, है ना। तो आप थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, रिकॉल करेंगे तो आपको पूरा याद आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, जो चीज कैलकुलेट करनी है उसका फॉर्मूला लिखिए। ध्यान सुनिएगा सब लोग, इधर तो ध्यान मत दीजिए, सुनिए ध्यान से। जो भी चीज क्वेश्चन में कैलकुलेट आपको करनी है उसका सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखिए। तो मुझे जैसे मोलैलिटी का फॉर्मूला लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगा, स्मॉल एम इज इक्वल्स टू, मोलैलिटी का जो सिंबल होता है वो स्मॉल एम होता है, याद होना चाहिए आपको। स्मॉल एम इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आपको फॉर्मूला याद करना ही पड़ेगा, फॉर्मूला याद किए बिना आप कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर सकते। तो जो मेन डर होता है स्टूडेंट के अंदर कि वो न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पा रहा है, कारण यही है। सबसे पहला कारण तो उसको फॉर्मूले याद नहीं होते, और किसी को अगर फॉर्मूले याद हो भी गए तो उसको अप्लाई करना नहीं आता। ये दो ही मेन चीज होती, तीसरा जो कारण तो नहीं है, उस स्टूडेंट का लेजीनेस ही होता है कि वो प्रैक्टिस नहीं करता। तो फॉर्मूला अगर याद है, आपको अप्लाई करना आता है, आपने प्रैक्टिस भी कर रखी है, तो आप हर तरह के न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लोगे, है ना। इसलिए इसको फेस कीजिएगा, भागिएगा नहीं। चलिए, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपन मास ऑफ सॉल्वेंट, वो भी किसमें, केजी में। कई लोग गलती करते हैं, यहाँ पे ग्राम कर देते हैं, नहीं, फॉर्मूले में ही अगर केजी है तो अपन फॉर्मूला चेंज नहीं कर सकते, ठीक है ना। इसमें ग्राम मत कर देना आप लोग, आपको केजी ही रखना है। चलिए, तो क्वेश्चन के अंदर जो फॉर्मूले के अंदर आपको चाहिए सॉल्यूट के मोल्स, और सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्यूट वो होता है जिसकी क्वांटिटी कम होती है, जिसकी क्वांटिटी कम वो सॉल्यूट, और जिसकी क्वांटिटी ज्यादा वो क्या हो जाएगा आपका सॉल्वेंट, सिंपल सी बात है ना। तो इथेनॉल क्या होगा यहाँ पे आपका सॉल्यूट, और वाटर क्या होगा इसके अंदर आपका सॉल्वेंट। तो दिस इज योर सॉल्यूट एंड दिस इज योर सॉल्वेंट, नो डाउट। तो पहले मुझे यहां पे निकालना है मोल्स, मोल्स का सिंबल क्या होता है स्मॉल एन, और मास का सिंबल क्या होता है बताइए डब्ल्यू, ठीक है। तो पहले मैं काम करता हूं, मोल निकाल लेता हूं, स्मॉल एन निकाल लेता हूं, और मोल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है देखो याद करना ही पड़ेगा, दैट इज मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट,
तो मास ऑफ सोल्यूट एंड मोलर मास ऑफ सोल्यूट, तो सोल्यूट का मास कितना है? देखो ध्यान से, सोल्यूट ऑफ इथेनॉल है ना, इसका मास पता रहेगा आपको 4.6 ग्राम, तो 4.6 ग्राम। और सोल्यूट का ही मोलर मास कितना होता है बताइए? तो अगर आप मोलर मास निकालने बैठेंगे तो इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज C2H5OH। सब लोग ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस मत कीजिएगा इसको। तो मोलर मास अगर आपको इथेनॉल का निकालना है तो इथेनॉल का आपको फॉर्मूला तो पता हो, और जरूरी नहीं कि क्वेश्चन के अंदर आपको फॉर्मूला लिखकर दे, पूरे पूरे चांसेस मान के चलिए कि आपको फॉर्मूला लिख के नहीं देंगे, जैसे कि मैंने लिख के आपको नहीं दिया, आपको सिंपल मैंने इथेनॉल लिख दिया। अगर किसी को मतलब इथेनॉल का फॉर्मूला ही नहीं मालूम तो फिर आप जानते हो क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाए, है ना। तो इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? C2H5OH। अब C2H5OH का मोलर मास अगर आपको निकालना है तो आपको प्रत्येक एटम का एटॉमिक मास पता होना चाहिए, ठीक है ना। इसलिए कहते हैं जितने भी टीचर्स हैं जिनसे आप पढ़े होंगे, उन्होंने जरूर कहा होगा कि अगर आपको केमिस्ट्री पढ़नी है तो आपको पीरियोडिक टेबल आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, एलिमेंट्स, उनका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, राइट। तो कार्बन का कितना होता है एटॉमिक मास? 12। और कितने कार्बन है? 2, तो 12 × 2, ठीक है। प्लस हाइड्रोजन कितने अपने पास में? 5 और 1 6, और एक हाइड्रोजन कितना होता है मास, एटॉमिक मास? 1, तो 1 × 6। प्लस ऑक्सीजन कितना है? 1, और एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 16, तो 16 × 1। तो जब उसको ऐड करेंगे तो 12 × 2 = 24, प्लस 6 प्लस 16, तो ऐड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? 24 और 6 कितना हो जाएगा? 30, 30 और 10 हो जाएगा आपका 40, 46 हो गया, ये 46 ग्राम। तो दिस इज द मोलर मास ऑफ इथेनॉल। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, समझ लीजिएगा, वीडियो को थोड़ा सा पीछे ले जाइए, समझ में आ जाएगा, है ना। तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना है अपने पास में? 46 ग्राम। अब इसको कैलकुलेट कर लो तो कितना आ जाएगा? ये तो ये आ जाएगा आपका 0.1, तो ये आ गया आपके मोल्स 0.1, ठीक है। चलिए सेकंड चीज, मोल अपन ने निकाल लिया, एन निकाल लिया अपन ने, अब मुझे चाहिए मास, तो यानी कि डब्ल्यू चाहिए अपन किसके अंदर? वो भी केजी के अंदर, ठीक है। लेकिन हमको जो सॉल्वेंट दे रखा है किसमें, कौन सा दे रखा है? वाटर। और कितना दे रखा है? 500 ग्राम दे रखा है, 500 ग्राम्स, 500 ग्राम अपन को H2 दे रखा है, ठीक है। अब चूंकि फॉर्मूले के अंदर ही केजी है तो हम ग्राम नहीं लिख सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक केजी में कितने ग्राम होते हैं? 1000। तो मुझे इसको 500 को 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये इसको मैं लिख सकता हूं केजी, ठीक है। तो मेरे पास W भी आ चुका है, मेरे पास मोल्स भी आ चुका है, तो अब मैं डायरेक्टली इन दोनों को इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर सकता हूं, ठीक है। तो देखो फॉर्मूला क्या है, तो स्मॉल m इज इक्वल्स टू मोल्स कितना है? 0.1 अपॉन 500 अपॉन 1000, ठीक है। थोड़ा सा इसको अगर मॉडिफाई करें तो 0.1 अपॉन 500 और 1000 को ऊपर ले जाओ, 1000, ठीक है। अब 500 इससे दो बार कट जाएगा तो 0.1 × 2 कितना हो गया? दैट इज 0.2 m, ये आ गया आपका आंसर। तो देखिए कितना इजी था। तो अगर आपको फॉर्मूला पता है, आपको मेथोडोलॉजी पता है किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इजी हो जाते हैं और इजीली आप इसमें मार्क्स गेन कर सकते हैं, 1.5 से 2 नंबर आपको इजीली मिल जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन में लगा हुआ है व्हाट इज पिक्रिक एसिड। तो पिक्रिक एसिड क्या होता है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है और कई पेपर्स में आप देखेंगे भी इसको अगर आप सर्च करेंगे तो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो उसमें 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले तो ये बनता है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन बनता है कि ये बनता किससे, है ना। एक तो स्ट्रक्चर हो गया कि भाई पिक्रिक एसिड दिखने में है कैसा, दूसरा है कि ये बनता किससे, मतलब इसका प्रीकर्सर कौन है, मतलब इसका रिएक्टेंट क्या होता है, और तीसरा इसको बनाने की मेथड समझा दो, विधि समझा दो, मतलब इसकी रिएक्शन बताओ जिसके अंदर ये बनता है, उस प्रोसेस को हम बोलते क्या है, है ना।
तो इस तरह के दो से तीन क्वेश्चन इसके अंदर बनते हैं, तो तीनों टाइप के क्वेश्चन अपन डिस्कस कर लेते हैं इसके अंदर, ताकि किसी भी तरह की जो लेवरेज है वो आपको नहीं मिले इसके अंदर। तो पहला क्वेश्चन, जो पहली चीज इसके अंदर आपको मालूम करनी है वो है इसका स्ट्रक्चर। तो नंबर वन में क्या लिखेंगे इसके अंदर, केमिकल स्ट्रक्चर। तो अगर मैं केमिकल स्ट्रक्चर की बात करूं पिक्रिक एसिड का, और साथ में इसका यूपीएससी में आपको बताऊंगा, तो ध्यान से देखिएगा। तो केमिकल स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो दिखने में इस तरह का होता है, बेंजीन रिंग होती है, उसके ऊपर जुड़ा होता है OH, मतलब क्या हो गया ये फिनॉल हो गया। और फिनॉल की दोनों ऑर्थो पोजीशन से, तो ये वाली और एक पैरा पोजीशन, तीनों ही पोजीशन किससे कनेक्टेड होती है, NO2 से, NO2 से, NO2 से। तो दिस इज योर पिक्रिक एसिड, ठीक है। अब स्ट्रक्चर अगर मालूम पड़ गया तो क्या हम इसका IUPAC नेम लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते। इसका IUPAC नेम क्या हो गया, 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल, 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल, ये इसका IUPAC नेम होता है, ठीक है। ध्यान से इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर और IUPAC नेम दोनों, दोनों में से कुछ भी पूछ सकता है एक नंबर वाले क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। सेकंड है इसका प्रिपरेशन, ठीक है, इसको कैसे प्रिपेयर करें। तो इसको अपन प्रिपेयर कर सकते हैं फिनॉल से, है ना। तो यहां पे आप क्या लिखेंगे, मतलब इसका जो स्टेटमेंट आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, फिनॉल गिव्स गिव्स व्हाट, पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड, ठीक है। तो अगर आपसे कोई भी पूछे कि पिक्रिक एसिड बनता किससे है, इसका रिएक्टेंट क्या होता है, प्रीकर्सर क्या होता है, तो क्या होता है जी, फिनॉल होता है। और फिनॉल दिखने में कैसा होता है, फिनॉल दिखने में बहुत ही सिंपल होता है, बेंजीन लिया और उसके ऊपर कहीं भी किसी पोजीशन पर आपने OH जोड़ दिया, तो उसे अपन कहते हैं फिनॉल, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब सीधे मूव करते हैं इसकी केमिकल रिएक्शन पे। तो केमिकल रिएक्शन अगर हम लिखें तो आपको ऑब्वियसली बात है फिनॉल पे लिखना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। तो अपन ने फिनॉल बनाया, फिनॉल बन गया। इस फिनॉल के अंदर आप तुरंत डाल दीजिए क्या, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का मिक्सचर, ठीक है। मतलब दोनों ही कैसे होने चाहिए, कॉन्सेंट्रेटेड होने चाहिए। और जब दोनों ही कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं तो तीनों पोजीशन पे, फिनॉल की तीनों पोजीशन पे NO2 जुड़ जाता है, ऑर्थो पे, पैरा पे और ऑर्थो पे। और इसे हम लोग क्या बोलते हैं बताइए, इसे हम कहते हैं जी पिक्रिक एसिड, इसे अपन कहते हैं पिक्रिक एसिड, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, याद रखिएगा, इस प्रोसेस को अपन कहते हैं नाइट्रेशन, नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल। तो फिनॉल वाले चैप्टर से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल, ठीक है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉसिबल जो क्वेश्चन बन सकता था पिक्रिक एसिड में से, तो टॉपिक कितना छोटा सा है, व्हाट इज पिक्रिक एसिड, और हमने हर टाइप के क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया, इसका स्ट्रक्चर भी डिस्कस कर लिया, इस स्ट्रक्चर का अपन IUPAC नेम कैसे ले सकते हैं वो भी डिस्कस कर लिया, ये चीज बनती किससे, फिनॉल से बनती है भी डिस्कस कर लिया, बनाने का प्रोसेस क्या रहता है प्रोसेस डिस्कस कर लिया, और इस प्रोसेस को बोलते क्या है वो भी मैं डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो मतलब एक छोटा सा टॉपिक किस तरह से एक्सपैंड हो सकता है वो भी इसमें आप सीखने को आपको मिलेगा, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए,
नहीं समझ में आया वीडियो को थोड़ा सा पीछे ले जाइए, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग थके नहीं होंगे, और जो लोग थक गए हैं वो थोड़ा सा अपने आप को फ्रेश थोड़ा सा फ्रेश कर लीजिए। और मैं सोच रहा हूँ कि भाई ये क्वेश्चन लास्ट ये कर लेते हैं इस सेक्शन के अंदर, इस पार्ट के अंदर, फिर अपन थर्ड पार्ट के अंदर कर लेंगे, ठीक है ना। तो बहुत सारे लोगों की जो है सीटिंग थोड़ा सा कम देखता हूँ मैं, मतलब जो सीटिंग होना चाहिए स्टूडेंट का कम से कम 2 से 2.5 घंटे का, वो बहुत कम देखा जाता है इस टाइम पे, है ना। तो इसी बात को ध्यान रखते हुए अपन क्या करेंगे, इस सेक्शन को इस क्वेश्चन के बाद में थोड़ा सा एंड करने की कोशिश करेंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको सीधा दिख रहा होगा कि हमें एल्कोहल से क्या बनाना है, एल्कीन बनाना है। क्वेश्चन ये यही बोला गया है, हाउ कैन वी कन्वर्ट एल्कोहल इनटू एल्कीन। मतलब ये क्वेश्चन है कन्वर्जन पे बेस्ड, और बहुत सारे स्टूडेंट में देखता हूँ कन्वर्जन के प्रति बहुत ज्यादा जो है उन लोगों के अंदर डर रहता है या फिर इनसिक्योरिटी रहती है कि वो सॉल्व नहीं होगा, ठीक है ना। सॉल्व होगा अगर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर रिएजेंट्स की और केमिकल रिएक्शन की प्रैक्टिस आपने अच्छे से की होगी, तो नहीं की होगी तो ऑब्वियस सी बात नहीं होगा, है ना। तो देख लेते हैं कैसे होगा दूसरे कन्वर्जन। तो आपको एल्कोहल को एल्कीन में कन्वर्ट करना है, तो इसको करने के लिए सबसे पहले मैं एल्कोहल चूज कर लेता हूँ। अब चूंकि यहाँ पे डिफाइंड नहीं कि कौन सा एल्कोहल है, तो मेरी मर्जी में कुछ भी ले सकता हूँ। तो ज्यादा मैं कॉम्प्लेक्सिटी नहीं क्रिएट करूंगा, यहाँ पे सिंपल सा एल्कोहल लूंगा, और यहाँ पे जो सिंपल एल्कोहल होता है क्या होता है, इथेनॉल अपन ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ इथेनॉल, ठीक है, और एल्कीन के अंदर मैं क्या ले लेता हूँ, इथीन ले लेता हूँ, ठीक है। तो एल्कोहल को सॉरी इथेनॉल को इथीन में कैसे कन्वर्ट करूं वो अपन देख लेते हैं। देखिए इथेनॉल का स्ट्रक्चर क्या होता है, CH3CH2OH। तो आपको इसको कन्वर्ट करना है किसके अंदर, इथीन के अंदर, जिसका स्ट्रक्चर क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो इथेनॉल इज कन्वर्टिंग इनटू इथीन। अब कैसे कन्वर्ट करें, तो इसको कन्वर्ट करने के 2 तरीके हो सकते हैं, ठीक है ना। वो दोनों तरीके मैं आपको आपके साथ डिस्कस करता हूँ। सबसे पहला तरीका जो है वो बहुत ही सिंपल है कि आप इसके अंदर क्या यूज कर लीजिए, आप इसके अंदर यूज कर लीजिए कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और टेम्परेचर ले लीजिए 443 केल्विन का। तो जब आप टेम्परेचर यूज करेंगे 443 केल्विन का और यूज करेंगे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो इसमें से पानी का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, मतलब H2O बाहर निकल जाएगा, और H2O के बाहर निकलने के बाद बन जाएगा आपका एल्कीन, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं बताइए जल्दी से, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डिहाइड्रेशन। पानी के बाहर निकलने की प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं बताइए, डिहाइड्रेशन। तो बाय द हेल्प ऑफ डिहाइड्रेशन प्रोसेस वी कैन कन्वर्ट एनी एल्कोहल इनटू एल्कीन, ठीक है ना। इसके अलावा एक और तरीका है जिससे अपन इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। वो तरीका क्या है, आप इसके अंदर एल्कोहलिक KOH भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और जब अपन एल्कोहलिक KOH चूज करते हैं तो कौन सा रूल लगता है इसके अंदर, आपको मतलब इसके अंदर आपको करना है एलिमिनेशन रिएक्शन, है ना। तो सिज़ेस का रूल लग जाएगा, यहां पे सिज़ेस रूल लगेगा, और सिज़ेस रूल कौन से सेक्शन का पार्ट है, तो वो है एलिमिनेशन रिएक्शन का, एलिमिनेशन रिएक्शन का, ठीक है। तो जब भी अपन सिज़ेस रूल यूज करते हैं तो एल्कोहलिक KOH क्या करता है, ऑब्वियस सी बात है इसमें से वो H2O को बाहर निकाल के दोनों के बीच में क्या करता है, डबल बॉन्ड लगा देगा और आपको एल्कीन मिल जाएगा। तो इन 2 तरीके में से जो भी आपको तरीका पसंद हो या फिर याद रहता हो आप उसको लिख सकते हैं और किसी भी एल्कोहल को एल्कीन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो आपने नोट कर लिया होगा। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि इस सेक्शन को अपन यहीं पे एंड करते हैं। आज हमने बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, लगभग हाँ अप्रोक्सीमेटली 1 घंटा 20 मिनट के आसपास हो गया है, ठीक है ना। तो आज के लिए अपन इस पार्ट को यहीं पे रोकते हैं, लेकिन पूरा नहीं रोक रहे क्योंकि और भी पार्ट्स अभी आते रहेंगे, ठीक है ना। जब तक आप मतलब 27 को एग्जाम में ना, तो 26 तक तो वीडियो आपको मिलती रहेगी, ठीक है। ये हो सकता है कि लेंथ में थोड़ी सी और बढ़ा दूँ, जैसे कल का वीडियो जो था वो 1 घंटे का ही था, आज का 1 घंटा 20 मिनट हो गया, हो सकता है कल का वीडियो 1.5 घंटे का हो जाए या फिर 2 घंटे का भी हो सकता है ना।
डिपेंड करता है कि कंटेंट कितना ज्यादा है और कितना कंटेंट मैं आपको दे सकता हूँ। आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप उसको अपने सब्जेक्ट को रिवाइज करते रहिए। फिजिक्स का भी पेपर है आपका, है ना, तो फिजिक्स भी आप थोड़ा सा रिवाइज करेंगे करेंगे क्योंकि 20 को आपका पेपर है, तो इसलिए मैं अभी थोड़ा सा टाइम पीरियड कम रख रहा हूँ। लेकिन जैसे आपका फिजिक्स का पेपर ओवर हो जाएगा 20 के बाद में, तो मैं लेंथ और बढ़ा दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। पढ़ाई करते रहिए और तैयारी करते रहिए, अपने आप को मोटिवेट रखिए। ओके, थैंक यू सो मच।